हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है केजे और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केजे हॉलीवुड में। दोस्तों, रियान गोसलिंग ने वैसे तो बहुत सी मूवीज़ के अंदर वर्क किया है, लेकिन गाइस उनकी कुछ ही ऐसी मूवीज़ हैं जो कि गाइस हिंदी में अवेलेबल हैं। तो गाइस आज हम लोग कवर करने वाले हैं हॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर रियान गोसलिंग की टॉप 10 बेस्ट हिंदी डब्ड मूवीज़ को। अगर आप लोग रियान गोसलिंग के डाई हार्ड वाले फैंस हैं तो गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पर आती है ग्रे मैन मूवी, जो कि गाइज 2022 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी एक्शन और थ्रिलर पर बेस्ड है। इस मूवी को IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है दोस्तों, और 75% ऑडियंस ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी के अंदर आप लोगों को रियान गोसलिंग के साथ साथ एक साउथ इंडियन एक्टर धनुष भी देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप लोगों को एक्शन और थ्रिलर पर बनी मूवीज़ देखना पसंद है तो गाइज आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। हमारी इस लिस्ट में नंबर 9 पर आती है गैंगस्टर स्क्वाड मूवी। दोस्तों, ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी एक्शन और क्राइम पर बेस्ड है। इस मूवी को IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली है दोस्तों, और 63% ऑडियंस इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, तो आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। हमारी इस लिस्ट में नंबर 8 पर आती है बारबी मूवी, जो कि गाइस 2023 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी कॉमेडी और रोमांस पर बेस्ड है। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है, और 74% ऑडियंस इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है, और इस मूवी के अंदर आप लोगों को रियान गोसलिंग अपनी बाकी सभी मूवीज़ के रोल से थोड़ा हटकर नज़र आने वाले हैं। अगर आप लोग रियान गोसलिंग की बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो गाइज ये फिल्म आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। हमारे इस लिस्ट में नंबर 7 पर आती है द फॉल गाय मूवी, जो कि गाइज अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी की कहानी एक्शन और कॉमेडी पर बेस्ड है। इस मूवी को IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है दोस्तों, और 81% ऑडियंस ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी के अंदर आप लोगों को रियान गोसलिंग के साथ साथ एमिली ब्लंट भी देखने को मिलने वाली है। इन दोनों की जोड़ी आप लोगों को डेफिनेटली इंटरटेन करेगी, और इस मूवी की कहानी बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। हमारी इस लिस्ट में नंबर 6 पर आती है फ्रैक्चर मूवी, जो कि गाइज 2007 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी एक्शन और थ्रिलर पर बेस्ड है। इस मूवी को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली दोस्तों, और 71% ऑडियंस ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी के अंदर आप लोगों को रियान रेनॉल्ड्स की वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग उनके डाई हार्ड वाले फैंस हैं तो गाइज ये मूवी आप लोगों के लिए मस्ट वॉच हो जाती है। हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर आती है द नाइस गाइज मूवी। दोस्तों, ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी एक्शन और कॉमेडी पर बेस्ड है। इस मूवी को IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है दोस्तों, और 73% ऑडियंस ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, और इस मूवी के अंदर जितने भी कॉमेडी सीन्स हैं वो आप लोगों को डेफिनेटली इंटरटेन करने वाले हैं, तो आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। हमारी इस लिस्ट में नंबर 4 पर आती है क्रेजी स्टूपिड लव मूवी। दोस्तों, ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी कॉमेडी और रोमांस पर बेस्ड है। इस मूवी को IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है दोस्तों, और 70% ऑडियंस ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोगों को रोमांटिक टाइप मूवीज़ देखना पसंद है तो गाइज आप लोग इस मूवी को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा। हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पर आती है ड्राइव मूवी, जो कि दोस्तों 2011 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी एक्शन और थ्रिलर पर बेस्ड है। इस मूवी को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है दोस्तों, और 89% ऑडियंस ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तो शायद आप लोगों को ये मूवी थोड़ी सी बोर कर सकती है, लेकिन गाइज अगर आपके अंदर पेशेंस है तो भाई साहब ये फिल्म जो है वो बहुत ही अच्छी है। इस मूवी की कहानी बहुत अच्छी है। अगर आप लोग रियान गोसलिंग के डाई हार्ड वाले फैंस हैं तो गाइज ये मूवी आप लोगों के लिए मस्ट वॉच हो जाती है। हमारी इस लिस्ट में नंबर 2 पर आती है रियान गोसलिंग की वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक मूवी द नोटबुक। दोस्तों, ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी रोमांस और कॉमेडी पर बेस्ड है। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है, और 85% ऑडियंस ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी बहुत ही अच्छी है। गाइज ये फिल्म काफ़ी सारे लोगों की फेवरेट मूवीज़ में से एक है। अगर आप लोग रियान गोसलिंग के डाई हार्ड वाले फैंस हैं तो गाइज ये फिल्म आप लोगों के लिए मस्ट वॉच हो जाती है। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर आती है रियान गोसलिंग की वन ऑफ द बेस्ट मूवी ब्लेड रनर 2049, जो कि गाइज 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी साइंस फिक्शन और एक्शन पर बेस्ड है। इस मूवी को IMDb पर 8 की रेटिंग मिली है दोस्तों, और 79% ऑडियंस ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों, ये फिल्म
1982 में रिलीज हुई ब्लेड रनर फिल्म का सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों को इस मूवी को देखना है तो पहले गाइस फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा। इस मूवी के VFX और एक्शन सीन आप लोगों का दिल जीतने वाले हैं और इस मूवी की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, तो गाइज आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलिएगा। आई होप कि ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहिए एक्टर एंड एक्ट्रेस की लेटेस्ट मूवीज़ की अपडेट्स के लिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।